नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से मैथमेटिक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले 12th क्लास वाले बच्चों के लिए पार्ट 3, जो अपन ने लास्ट दो वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी, उससे थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले। और आप लोगों को जो जो चीजें समझी जा रही है और पूरे वीडियो के अंदर जो भी चीज बताई जा रही है, उसकी PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी जाएगी। तो आप वहां से पहले उसे डाउनलोड कर लें और फिर इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखे तो आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। तो अभी आज जो मैं पार्ट 3 ले रहा हूं, उसके अंदर कुछ एक फॉर्मूले जो रह गए हैं, पहले उन फॉर्मूलों के बारे में देखते हैं। फॉर्मूला ये है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब बात ये है, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूले खूब सारे सिद्ध किए ओनली फॉर्मूले के बारे में, तो आज मैं थोड़े से इन फॉर्मूलों को सिद्ध करके फिर ट्यूशनों पे चलूंगा। तो पहला फॉर्मूला आपके जो है, इसके अंदर मैं आपको वही कंसेप्ट लेके चलने वाले, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा 1। तो यहां पर x इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स उधर जाते ही tan थीटा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मैं ले रहा हूं tan इनवर्स y इक्वल थीटा 2, तो क्या बनेगा देखें, y इक्वल tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बनेगा, tan थीटा 2। अब इनको कन्वर्ट तो कर दिया मैंने, इन दोनों वैल्यू को, थीटा 1 और थीटा 2। अब मेरे को ये चीज बनानी इसके इक्वल, तो कुछ नहीं करें, इन दोनों चीजों के अकॉर्डिंग अपन को tan a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। तो यहां tan a प्लस बी के रूप में एक्स प्लस वाई सॉरी थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 होता क्या है वो देखें, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 2, 1 और tan थीटा 2 दोनों, ये है tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला। अगर मैं tan को उधर भेज दूं तो इधर बचेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये tan उधर जाते ही क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। और यहां पे है, ये सारी चीज ना लिख के अपन डायरेक्टली लिख दे, tan थीटा 1 की वैल्यू क्या है x, tan थीटा 2 की वैल्यू क्या है y, अपॉन 1 का 1 tan थीटा 1 x एंड tan थीटा 2 क्या माना अपन ने y। अब देखें ये चीज तो आ गई अपने पास, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू, थीटा 1 क्या था tan इनवर्स x था, ऐसे कैसे थीटा 2 क्या था tan इनवर्स y। वापस यहां वैल्यू रख दे, इसकी और इसकी वैल्यू रख दी और इक्वल में ये है ही है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपके इस प्रकार पहला फॉर्मूला आपने सिद्ध कर लिया। अब देखें इसको, अगर मैं इस फॉर्मूले को भी सिद्ध करूं साथ में, तो यहां पे कुछ नहीं, ये चीज आप ही कर सकते हैं, यहां प्लस है यहां क्या है माइनस, तो ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो रहा है, तो दोनों फॉर्मूले लगभग सेम है। अब अपन इन फॉर्मूलों के ऊपर चलते हैं, तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या है वो देखे, 2 tan इनवर्स x को मेरे को इक्वल करना है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें ये वाली चीज में अपने पास जो tan इनवर्स x है, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, तीसरा और ये मैं फोर्थ फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो मैं tan इनवर्स x को ले रहा हूं थीटा, यहां पे ध्यान दे, इस चीज में से केवल tan इनवर्स x को मैं ले रहा हूं थीटा। अगर tan इनवर्स उधर जाएगा तो x इक्वल क्या हो जाएगा tan थीटा, नॉर्मल सा। अब देखें tan 2 थीटा क्या होता है, जो 11th में अच्छे से फॉर्मूला पढ़ा है, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सिंपल सा। अगर मैं वापस tan को उधर भेजू तो क्या हो जाएगा, tan उधर जाते tan इनवर्स 2 का 2, tan थीटा को क्या माना, tan थीटा क्या आया x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, आगे 2 लग जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आराम से आप लोग इन फॉर्मूलों को भी सिद्ध कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूले की ओर,
थर्ड अभी अपन आपको करने के लिए देंगे, लेकिन उससे पहले ये करवा रहा हूं मैं। 3 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये होता कैसे पहले उसको समझे, वापस वही कंसेप्ट है, एक बार इधर लिख देते हैं अपन। 3 tan इनवर्स x इक्वल क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये चीज होती या नहीं होती है, एक बार अपन इसे सिद्ध करते, कुछ नहीं करें, वापस इस कंसेप्ट tan इनवर्स x को क्या मान लीजिए, थीटा। tan उधर इनवर्स उधर जाते क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इक्वल tan थीटा। जहां x आएगा वहां tan थीटा लिखना, और जहां थीटा आएगा वहां ये पूरी वैल्यू पुट करनी है अपन को आगे। तो 11th वाला फॉर्मूला यहां काम आएगा, कौन सा, tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला, जहां जहां tan थीटा है वहां tan थीटा की जगह उधर तो मैं राइट हैंड साइड में तो x लिख दूंगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो ये tan है उसे उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा वो, जैसे tan इनवर्स उधर जाता है तो tan बन जाता है, अगर ये tan इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, वही काम करना, tan को उधर भेजते, ये बन गया tan इनवर्स। 3 अपनी जगह पे ही है, tan थीटा को क्या लिख दूं, x माइनस tan वैल्यू x ही है लेकिन x की पावर 3 हो जाएगी, 1 माइनस 3x स्क्वायर। वही वापस अभी मैंने बोला, जहां थीटा मिले नॉर्मल सा वहां पे थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो आप बिल्कुल इजी वे में फॉर्मूला भी सिद्ध कर सकते हैं, और कभी कभी फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले नंबर 6 के बारे में, और ये 7। तो देखें, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इक्वल क्या होना चाहिए, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस फॉर्मूले के अंदर जैसे ही इन दोनों को देखें, यहां पे आपने इसको थीटा वन लिया था, इसको थीटा टू लिया था, वैसे वैसे इसको भी थीटा वन और थीटा टू लेके फिर वो चीज अपन सिद्ध कर देंगे। तो देखें, वापस यहां पे मान रहा हूं, माना कोट इनवर्स एक्स इक्वल थीटा वन, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कोट थीटा वन। ऐसे कैसे कोट इनवर्स वाई इक्वल थीटा टू, तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा, कोट थीटा टू नॉर्मल सा। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इस कंसेप्ट के अंदर अपन ने टेन थीटा वन प्लस थीटा टू का फॉर्मूला लगाया था, तो इसके अंदर कोट थीटा वन प्लस थीटा टू का फॉर्मूला यूज करूंगा, जो 11th में पढ़ा है अपन लोगों ने, थीटा वन प्लस थीटा टू। तो क्या होता है, कोट थीटा वन कोट थीटा टू प्लस कोट थीटा वन माइनस कोट थीटा टू। तो देखें फॉर्मूला यहां पे प्लस नहीं, माइनस ऊपर और इसमें प्लस, ये अपने टेन में होता है, टेन में प्लस का प्लस ऊपर रहता है माइनस नीचे, अगर माइनस हो तो माइनस ऊपर और प्लस नीचे, इसमें प्लस हो तो माइनस ऊपर रहता है। तो ये हो गया, कोट को उधर भेज देते हैं, थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल कोट इनवर्स हो जाएगा, थीटा वन कोट थीटा वन की वैल्यू एक्स, ये हो गई वाई माइनस वन, वापस एक्स प्लस वाई, थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू रखें तो ये है कोट इनवर्स एक्स, ये है कोट इनवर्स वाई, और इक्वल में क्या है, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई। जो चीज अपन लोगों को क्या करनी है, अगर ये ऐसा फॉर्मूला होता है तो सिद्ध कर दिया अपन लोगों ने। अब लास्ट एक अपन और देखते हैं, कोट इनवर्स एक्स एंड कोट इनवर्स वाई और बीच में माइनस है, यहां पे देखो यहां माइनस था यहां प्लस हो गया, तो ये y माइनस एक्स कैसे हुआ, फिर x प्लस वाई का y माइनस एक्स होता है फॉर्मूला, इसको ध्यान दें, कुछ नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं, ये वाली वैल्यू तो माननी है अपन को सारे, इसके बेस पे लेता हूं मैं, यहां पर इसके अंदर आपको फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, कोट थीटा वन माइनस थीटा टू का फॉर्मूला काम आएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखे, कोट थीटा वन कोट थीटा टू माइनस है तो ऊपर माइनस, अपॉन में क्या चीज आएगी, अच्छा सॉरी माइनस तो प्लस, यहां बट्टे में आ जाएगा कोट थीटा टू माइनस कोट थीटा वन, बस ये ध्यान रखना।
प्लस हो तो माइनस प्लस, लेकिन थीटा वन थीटा टू और यहां थीटा वन और थीटा टू कंटिन्यू क्रम में है, यहां माइनस है तो कोट थीटा वन थीटा टू फिर प्लस वन, और ये थीटा टू माइनस थीटा वन बट्टे में आता है, इसलिए यहां पर y माइनस एक्स है। कैसे? ये वैल्यू अपने क्या है x, ये वैल्यू क्या है y, ये प्लस वन हो जाएगा, ये वैल्यू क्या है y और ये है माइनस, तो जब पूरा सॉल्व करूंगा तो यहाँ एक्स वाई प्लस वन रहेगा बट्टे में y माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इसे भी अच्छे से सिद्ध कर सकते हैं। और एक चीज और कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये बड़ा वाला मैंने जो सिद्ध नहीं करवाया, आप लोगों को करना है। कैसे? यहां पे एक बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला एक बार ये सीधी चीज यहां पुट कर दूंगा, और फिर इसको और इसको यूज करके दो बार यहां ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी होगी। तो अब अपन कुछ एक और दो तीन फॉर्मूले रह गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर देखो, यहां पे फॉर्मूला ये है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल पाई बाई टू होता है। तो नॉर्मल सा कैसे करेंगे इसको सिर्फ, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल होता है पाई बाई टू। तो देखें कैसे, ये मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, कुछ नहीं करें आपको इसमें से किसी एक को, या तो इसको या इसको थीटा मान लेते हैं। तो मैं मान रहा हूं साइन इनवर्स x को थीटा मान रहा हूं, तो साइन इनवर्स x जब थीटा मानूंगा तो ये साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, आप लोगों को मालूम है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो टेंथ के अंदर आप लोग पढ़ के आए, क्या पढ़ा है, साइन थीटा। अगर मैं कहूं कोस 90 माइनस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोस 90 पाई बाई टू माइनस थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पर ये जो साइन थीटा है ना, उसकी जगह ये रख रहा हूं, तो x बराबर साइन थीटा की वैल्यू रख रहा हूं कोस पाई बाई टू माइनस थीटा ब्रैकेट, साइन थीटा की वैल्यू ये मैंने पूरी रख दी। कोस को अगर इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा, बराबर में क्या रहेगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। अब देखें यहां तक तो हो गया, थीटा क्या था, थीटा आपने स्टार्टिंग में किसको माना था, साइन इनवर्स x को माना था, तो थीटा की वैल्यू यहां पे वापस रख दें, क्योंकि अपन को स्टार्टिंग में थीटा इक्वल क्या माना था, साइन इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू रख रहा हूं कोस इनवर्स x इक्वल पाई बाई टू का पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x। अब देखे साइन इनवर्स x अगर इधर आता है तो माइनस वाली चीज इधर आते ही किस में हो जाएगी, प्लस में, तो क्या कंसेप्ट बनेगा, ये इधर आते ही हो गया प्लस, तो ये साइन इनवर्स x, ऑलरेडी कोस पड़ा था, ये कोस इनवर्स x, और बराबर में यहां क्या बचा, पाई बाई टू, और यही चीज अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी थी, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल क्या हो गया, पाई बाई टू। इसी प्रकार आप लोग इन दोनों को कर सकते हैं आराम से, कैसे, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x है तो इसमें से एक को थीटा मान ले, थीटा माना फिर वो वैल्यू उधर जाएगी तो इनवर्स उधर नॉर्मल हो जाएगा। ये छह फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कौन से, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा होता है, यानी साइन नब्बे माइनस थीटा कोस थीटा, कोस नब्बे माइनस थीटा साइन थीटा, तो जो टेंथ में पढ़े हुए, तो ये दोनों चीजें आप लोगों को करनी है। अब जो चीज है, मैं आप लोगों के जो लास्ट 2019 बोर्ड पेपर का जो क्वेश्चन आया हुआ उस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, यहां पर आप लोगों को सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ये इसके बराबर है या नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड है कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5। एक चीज ध्यान देने लायक है कि यहां पर तो है कोस इनवर्स 63/65, अपन ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े यहां पे टेन का अगर कंसेप्ट याद करें तो टेन और फिर बीच में प्लस था, दोनों जगह टेन था, इस चीज को आपको मालूम होगा। मैं अभी इस कोस को क्या टेन में कन्वर्ट कर सकता हूं, पहले केवल मेरे दिमाग में यही चीज है, कोस इनवर्स एक्स 63/65 को मैं मान रहा हूं थीटा, क्या मान रहा हूं, थीटा मान रहा हूं। अगर कोस उधर जाएगा तो इधर बचेगा 63/65, बराबर में हो जाएगा कोस थीटा। अब इंपॉर्टेंट चीज जो अपन ने पहले ही पढ़ रखी है लाल बट्टा कक्का वाली,
कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है आधार बटा करंट। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोस थीटा का जो ये वैल्यू है 63/65, इसमें ये आधार है और ये क्या है? कर्ण है। तो मैं आपसे लंब, लंब कैसे ज्ञात करेंगे? लंब होता है रूट, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा दो। तो देखें ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका लंब बराबर रूट, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो लंब बराबर रूट 63 और 63 कितना होता है 128, 63 में से 63 गए कितने बचे दो, और 128 का डबल होता 256 और 256 ऑलरेडी किसका रूट है 16, यानी लंब की वैल्यू आ गई है 16, आधार 63, कर्ण 65 और लंब कितना 16। मैंने कहा था इस वैल्यू को मैं चाह रहा हूं टेन में कन्वर्ट करना, तो आपको पता है या टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब कितना आया 16 और आधार कितना है 63। तो टेन अगर उधर जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 16/63। तो अपन ने इस चीज को थीटा माना था और यहां पर यही थीटा क्या आया है, टेन इनवर्स 16/63। तो क्या मैं ये वाली वैल्यू इसकी जगह रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। तो ये वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखने से क्या होगा देखें एक बार, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 16/63 प्लस 2 tan inverse 1/5। ये वाली जो वैल्यू है इसके आगे तो 2 लगा हुआ है, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 2 tan इनवर्स x इक्वल क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 x2। अभी ये फॉर्मूला मैंने सिद्ध करके बताया था। तो देखें इसको ऐसे कैसे रख रहा हूं, tan इनवर्स 16/63 प्लस यहां पे ये चेंज कर रहा हूं, तो ये वैल्यू इसमें आएगी, तो tan इनवर्स 2 का 2 लेकिन x कितना है 1/5, 1 minus x square, यानी x square 1/5 का स्क्वायर 1/25 हो जाएगा। तो देखें tan इनवर्स 16/63 प्लस tan इनवर्स, इसको मैं कर रहा हूं, ये तो हो गया 2/5 ऊपर वाली चीज, 2 into 1 2 और 1 into 5 5 इंटू भाग कन्वर्ट कर लिया मैंने गुणे में, लसपा लूंगा कितना आएगा 25 25 माइनस 1 24, यानी ये चीज सॉल्व करूं तो 24/25 होती है, तो ऊपर जाएगी तो 25/24 हो जाएगी गुणे में, 5 के पहाड़े से 5 बार और 2 के पहाड़े से 12 बार। तो क्या बना, tan इनवर्स 16/63 प्लस tan इनवर्स 5/12। अब अपन इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो अभी सिद्ध किया उसके अकॉर्डिंग, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 minus xy, ये फॉर्मूला अपन ने अभी पढ़ा है। तो देखें ये वाली वैल्यू अपने पास ये है, ये कन्वर्ट इसके अंदर हो जाएगी, तो यहां करते हैं tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 16/63 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5/12, 1 minus 16/63 इंटू 5/12। तो अब अपन कुछ एक नेक्स्ट, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, tan इनवर्स 16/63 प्लस 5/12 अपॉन 1 minus 16/63 इंटू 5/12, ये वैल्यू अपन ने इसके अकॉर्डिंग यहां पे रख दी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं इधर कर रहा हूं, tan इनवर्स उधर जो वैल्यू लिखी हुई है क्या है 16/63 प्लस 5/12 अपॉन 1 minus 16/63 इंटू 5/12। तो कुछ नहीं करना है अपन को, सिंपल सा इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आएगा 63 into 12, गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, 63 से 63 कैंसिल हो गया, 12 का 16 से गुणा, 16 2 32 और 16 और 3 19 192 प्लस 12 से 12 कैंसिल हो रहा है, तो 63 का गुणा होगा 5 से, 315 हो जाएगा नॉर्मल से, अपॉन इसके अपॉन में 1 है, अगर मैं इस बट्टे के बट्टे में देखूं
तो इसका भी तो एलसीएम आएगा, ये तो मैंने ऊपर वाले का लिया, तो इसके बटे में देखें इसका नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, 63 × 12, एक का गुणा इस पूरे से, तो एक से इस पूरे का गुणा होगा, तो इस पूरे के गुणे को यहां रखना पड़ेगा, तो गुणा कर लेते हैं, 63 × 12 कितना होगा, 12 × 36 और 12 × 72, 72 और 3 कितना हो जाता है, 75, 756 माइनस ये वाली चीज पूरी की पूरी इससे कैंसिल हो जाएगी और इन दोनों का गुणा यहां देखते हैं 16 × 80। अब कुछ नहीं करें, यहां से ऊपर जब ये वैल्यू जाएगी तो ये इधर बट्टे में और ये ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिलाकर ये चीज तो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए टेन इनवर्स कितना हो रहा है, जुड़ के 5 और 2 = 7, 0 और 507, 192 और 315 हो गया आपके 507, और यहां पे देखे 6, 15 में से 8, 7 और 676। अब इसका क्या होगा, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स हो जाएगा आप लोगों के, ये कैंसिल हो रहा है 3 बार, ये कैंसिल हो रहा है 4 बार, देखें 507 के अंदर अगर मैं 3 का भाग ले लूं तो 3 × 1 = 3, पीछे 2 × 0 = 36, 18 × 2 = 29, 27, ये 169 है ना, 169 इसे भी कैंसिल कर देगा और इसे भी कर देगा, इसे करेगा 3 बार कैंसिल और इसे करेगा 4 बार कैंसिल, तो यहां आ गया 3/4। अब इंपोर्टेंट समझने लायक चीज है, यहां तक करने के बाद छोड़े नहीं, लाना क्या था इस चीज को सॉल्व करके, ये चीज लानी थी साइन इनवर्स 3/5, तो वापस इस कंसेप्ट को थीटा माने, माना टेन इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, तो टेन उधर जाते क्या हो जाएगा थीटा के पास, बराबर में क्या रहेगा 3/4, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। अब मैथमेटिक्स में नॉर्मल सी ये चीज तो आपको मालूम है, अगर लंब 3 और आधार 4 हो तो कर्ण 5 ही होता है, तो क्या होगा, अब अपन को किसके रूप में लाना है, साइन के रूप में, तो साइन थीटा बराबर होता है आपके लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना 3, कर्ण कितना 5, अगर साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5, ये थीटा की वैल्यू, अपन ने इस चीज को थीटा माना था और थीटा की वैल्यू आई की थी साइन इनवर्स 3/5, तो इसके बराबर ये रख भी सकता हूं, तो कुल मिला के मेरी वैल्यू है जो ये थीटा किसको माना था टेन इनवर्स 3/4, तो इसकी जगह ये रख सकता हूं और यही लाना था, ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड, और ये पूरा सॉल्यूशन ही आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर दिलाएगा। तो अब अपन नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर न चल के अपन कल और इसके बारे में और थोड़ी जानकारी लेंगे, लेकिन आज जो अपन ने पूरा वीडियो बनाया है इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें और समझें, और प्लस सबसे बड़ी बात कि ये जो भी पूरा वीडियो है वो आप ईयरफोन लगा के सुने, लेकिन पीडीएफ जो लिंक हमने अवेलेबल करवाया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाउनलोड करें और उसके साथ ही ये वीडियो कनेक्ट करके देखें, ताकि आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों समझ में आ सके और उससे अच्छे से नोट्स आप तैयार कर लें, और हमारी हम जो ये मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो चीज आप अच्छे से उसका उपयोग करें। और रही बात ये जितने भी मैंने फॉर्मूले आपको सिद्ध करवाए हैं यूट्यूब के ऊपर, इनका बहुत रेयर कम चांस में ये अवेलेबल है, हमने पूरी कोशिश करके आपको फॉर्मूले तक सिद्ध करवाए हैं, तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।